प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया। हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम कर चुके ख़त्म। आज अपना नया टॉपिक दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इनफैक्ट पूरा मिला करके, केमिकल और आयनिक मिला करके NCERT ने एक चैप्टर बनाया, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। ठीक, इसमें हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम हाफ ऑफ द पोर्शन कंप्लीट किया और सेकेंड हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम इज़ दैट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम। इनफैक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए वो सब के सब क्या थे? न्यूट्रल, कहीं भी कोई चार्ज नहीं देखा। अब इस चैप्टर में पूरा का पूरा होगा तो वही इक्विलिब्रियम, जो लॉज वहां पड़े सब कुछ यहां भी होगा। ठीक, बट अब क्या होगा, न्यूट्रल के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? आयनिक कंपाउंड्स भी मिलेंगे, मीन्स आयनिक सब्सटेंसेस भी मिलेंगे, मतलब आयन्स मिलेंगे। ठीक, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी मिलेगा और उसके साथ साथ केटाइन भी मिलेगा और एनाइन भी मिलेगा और इन सब का एक साथ इक्विलिब्रियम मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको नाम दे रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर? खैर, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बढ़ेंगे आगे। इससे पहले कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम में पहुंचे, पहले समझे तो सही कि आयन बनता कहां से है। ठीक, और ये जो आयन बनना या ना बनना है किसी भी सब्सटेंस से, उस बेसिस पे सब्सटेंस को फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो कैटेगरी में। क्लियर? ठीक, तो लिखिएगा, एक केमिकल सब्सटेंस, ए केमिकल सब्सटेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ए केमिकल सब्सटेंस इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दो टाइप का सब्सटेंस बोलते हैं। एक को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक को क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरे टाइप के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। एक सब्सटेंस क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा सब्सटेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। समझ मारी बात? ठीक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलेंगे? Whose aqueous solution does not conduct electricity? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिजोल्व कर दिया जाए तो उसके aqueous solution के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है, तब ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? जैसे बोलेंगे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, स्टार्च एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। क्लियर? जिसके बारे में क्या बोला जा रहा है, इसके एक्वस सॉल्यूशन से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्लियर? इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंसेस। ठीक, इनफैक्ट अपना मुद्दा ये है नहीं, पढ़ने को हम लोगों ने पढ़ लिया। अपने टॉपिक में आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीज हम लोग नहीं पढ़ने वाले। ये कहां पढ़ चुके? केमिकल इक्विलिब्रियम में। इनका बिहेवियर अगर होता भी रिवर्सिबल तो। क्लियर? तो ये अपना टॉपिक नहीं है, पढ़ने को हम लोगों ने बोल दिया। ठीक है, एक कैटेगरी ये है सब्सटेंस की। ठीक, दूसरी कैटेगरी क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस? इलेक्ट्रोलाइट्स किसे बोलेंगे? तो लिखो इसमें दोज सब्सटेंसेस हुज एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट electricity whose aqueous solution can conduct electricity। clear? ऐसे substance को क्या नाम बोलेंगे? electrolytes या electrolytic substance या electrolytic species। clear? अब ये electrolytic substance जो हम लोगों ने बोला या जो electrolyte बोला, ये भी further दो category में बढ़ जाता है। क्या? एक को बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोल देते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
और दूसरे को क्या बोल देते, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोल देते, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, बोलो। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके एक्वस सॉल्यूशन से, बोलो, कंडक्टेंस हाई मिले, क्लियर। और ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका एक्वस सॉल्यूशन लो वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस शो करे, क्लियर। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो, हाई, ठीक। तो ये क्या देगा, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक। इसकी बात करें तब क्या बोलेंगे, ये क्या देगा आपको, तो बोला जा रहा है लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक। इतनी बात समझ में आती, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, जरा से देखें। तो ये अपना टॉपिक ही नहीं था, पहले तो इसको हटा दो, इलेक्ट्रोलाइट तो अपना है ही नहीं, ठीक है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए तो जरा देखिए, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट्स की, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो अपना हट गया। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो क्या बोला, ऐसा सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या, चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ज, देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ चार्ज। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पे आयन प्रोड्यूस कर दे, क्या कर दे, आयन प्रोड्यूस कर दे, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला गया, अगर ये ए बी टाइप, ए बी एक सब्सटेंस था और इसको अगर हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन में रखा, मतलब पानी में डिजोल्व कर दिया, अगर ये टूटने के बाद ए प्लस और बी माइनस में टूट गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बोलो, ये आयन है ना, आयन, एक को बोल रहे कैटायन, दूसरे को एनायन, और आयन क्या होते, तब बोल रहे चार्ज्ड, बोलिए स्पीशीज, क्या होता, चार्ज्ड स्पीशीज, क्लियर। और चार्ज के फ्लो से ही क्या मिलेगा, करंट, तो चार्ज बॉडी होगा तभी तो कंडक्टेंस मिल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो आयनिक सॉल्यूशन में टूट जाता है, ठीक, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाता है, क्लियर। ये कौन कौन टूट सकता है, बोलेंगे ऑल एसिड। एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का ऑल एसिड बेस एंड सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट। सारे एसिड, सारे बेस, सारे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बोलेंगे, क्लियर। तो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट किसको बोल रहे हैं, वो जो एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद टूट जाए, ठीक, बोलिए, इतनी बात क्लियर। अब ये जो डिसोसिएशन बोला, ये जो टूटा है, अब इसके टूटने का भी दोनों तरीका हो सकता है, क्लियर। एक तो ऐसे टूटा, दूसरा मान लो हमने ये सब्सटेंस लिया, क्या एक्स और वाई, ये रिवर्सिबली टूट रहा है, समझ रहे, तब क्या बन जाएगा, एक्स प्लस और क्या बन जाएगा, वाई माइनस, समझ मारी बात, ऐसे रिवर्सिबली टूटेगा। अब ध्यान से इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कि अगर इसके 100 मॉलिक्यूल होंगे शुरू में, ठीक, बिफोर डिसोसिएशन, तो ये तो है ही नहीं कुछ, अभी तो टूटा ही नहीं। जब ये टूट गया तो 100% टूटेगा ना, 100 का 100 टूट गया, तो यहां क्या बोलेंगे, 100, और यहां क्या बोलेंगे, 100, क्लियर, क्लियर। लेकिन इसके बारे में क्या केस बोलते हैं हम लोग, अभी तक हम लोग रिवर्सिबल में समझ चुके हैं ना कि कंप्लीटली नहीं टूटता, तो इनिशियली तो टूटने से पहले ये 0-0 था ही, अब ये टूटेगा तो मैक्सिमम कितना परसेंट टूटेगा, 1 से 10%, 5%, 10%, ये ना, तो हमने बोला ये 95 रह गया तो टूटा कितना, 5, है कि नहीं, ये कितना बना, 5, ये कितना बना, 5, क्लियर। नो डाउट ये भी डिसोसिएट हुआ है कि नहीं, ये भी टूटा है, टूट के कितना बनाया, मतलब कितना परसेंट टूटा, बोल रहा 5%। अब आराम से समझो, 100 आयन रखे थे, सॉरी 100 मॉलिक्यूल रखे थे इस इलेक्ट्रोलाइट का, तो पानी में कितने आयन दिखे तुम्हें, तो बोलेंगे 5 और 5 10, ये 10 ही क्यों, बिकॉज ये टूटा ही नहीं अच्छा खासा, सिर्फ कितना टूटा, 5, ये सर नो, तो यहां 5 से क्या बनेगा, 5 ये और 5 ये 10 बन गए। उसके बारे में जरा देखना, जो 100 रखे थे तो आयन कितने मिल गए, 200, कितने मिल गए,
सौ ये और सौ ये, कितने हो गए 200। अब यहां पे नंबर ऑफ आयंस कितने, तो बोलेंगे 200 आयंस। बोलिए, और आयन ही तो सोर्स ऑफ चार्ज है और यही तो फ्लो करेगा ना इधर से उधर, जब इसका मूवमेंट होगा तभी तो कंडक्टेंस मिलेगा। तो यहां यहां इलेक्ट्रिकल मतलब चार्ज कैरियर बॉडी कितना है 200, और इसमें चार्ज कैरियर बॉडी कितना है 5 और 5 10। यहां पे आयंस कितने ओनली बोलो 10 आयंस। मुझे बता, ये भी इसकी वजह से करंट मिलेगा और इसकी वजह से करंट मिलेगा। चार्ज कहां ज्यादा वहां, यहां क्या कम, जहां चार्ज ज्यादा वहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा, जहां रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ज्यादा वहां करंट ज्यादा। क्लियर है? आई बराबर क्या लिखते हम लोग, क्यू अपॉन टी, है ना। तो जहां चार्ज ज्यादा होगा वही तो करंट ज्यादा होगा। बोलिए सर नो। तो उस केस में क्या मिला, करंट ज्यादा। इस केस में क्या मिला, कम। वहां कंडक्टेंस ज्यादा, यहां कंडक्टेंस कम। और अभी तुम बोले हो क्या, जिसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उसको क्या बोल देंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जिसमें लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगा उसको क्या बोल देंगे, बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मुझे इस बेसिस पे बताओ कहां हाई हो रहा है और कहां लो हो रहा है। यहां का इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, बोलिए हाई कंडक्टेंस मिलेगा ना, क्लियर। और यहां क्या मिलेगा बोलो, लो। इस केस में क्या मिलेगा, लो कंडक्टेंस मिलेगा। अब मुझे बताइए, हाई लो समझ में आ गया, ठीक। तो आपने तो हाई लो बोला हुआ। अब ध्यान से, जो हाई कंडक्टेंस कर रहा है उसके अंदर क्या पाया आपने, तो आपने पाया इरिवर्सिबिली टूट जाता है। क्या टूट जाता है, इरिवर्सिबिली टूटने का मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट 100% कोई चीज कभी नहीं टूटती। क्लियर? मान लेते हैं 100%, 99% टूटा, 98% टूटा, तो 100 भी बोलेंगे। क्लियर? तब क्या बोल रहे हैं, यहां क्या बोल रहे हैं, हाई कंडक्टेंस। बोलो क्या मिल रहा है, हाई कंडक्टेंस। कब, जब ये कंप्लीटली टूट गया तब ना। बोलो तो क्या इसी ये आपने कब बोला, ये आपने कब बोला एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। अब हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे रहे हैं, तो इस सब्सटेंस को इलेक्ट्रो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे, बोलो दोज इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट, बोलो विच डिसोसिएट, बोलिए ऑलमोस्ट, बोलिए कंप्लीटली, बोलेंगे ना, जो कंप्लीटली लगभग टूट गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? स्ट्रॉन्गली कंडक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को शो करेगा वैल्यू, ठीक। वो क्या करेगा, फीबली, ठीक। तो अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या, वीकली टूट रहा है, वीक डिसोसिएशन है, कम डिसोसिएशन है, तब क्या बोलोगे, ये डिसोसिएट होता है क्या कंप्लीटली। इसके बारे में क्या बोलेंगे, वो सब्सटेंस जो बहुत कम डिसोसिएट हो, क्या बोलेंगे, दैट इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट फीबली, क्या बोलेंगे, डिसो टूटता ये भी है, डिसोसिएट्स फीबली, है कि नहीं, बहुत कम टूटा, बहुत कम टूटा तभी तो बहुत कम आयन मिला। क्लियर? तो जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट गया उसको क्या बोल रहे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। जो बहुत कम टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। जो ज्यादा टूट जाएगा उसको नाम बोला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल बोलेंगे तब क्या बोलेंगे, अभी क्या बोले हो, ऑल एसिड बोले थे और बेस बोले थे और सॉल्ट बोले थे, यहां क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट है, वो सब का सब क्या होगा, बोलो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज सॉल्ट। सॉल्ट कोई भी हो क्या होता है, टूटता है। कुछ कुछ सॉल्ट होते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, बाद में बात करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। जनरली सॉल्ट क्या होगा, आयनिक सब्सटेंस है, सॉल्ट आयनिक है तो टूट जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, वीक एसिड वीक बेस का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, टूटेगा, पानी में डालेंगे टूटेगा। व्हाई, बिकॉज सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड। क्लियर? अगली बात, लो लो कंडक्टेंस कौन शो करेगा, जो अपना वीक एसिड है, कौन शो करेगा, वीक एसिड वीक बेस, है कि नहीं, वीक एसिड और वीक बेस, ये सब क्या शो करेगा, बोलो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, देयरफॉर दे विल बी कॉल्ड, बोलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? अपना जो आयनिक इक्विलिब्रियम इनफैक्ट चैप्टर है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन। पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज सिंपली द डिस्कशन ऑफ, बोलो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, क्या इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम मिलने वाला है, नहीं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो इक्विलिब्रियम मिलने वाला है ही नहीं,
क्लियर। तो इनफैक्ट ये अपना टॉपिक है ही नहीं, नो डाउट हम पीएच के कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर लेंगे, बट अपना मुद्दा वो थोड़ी है, मुद्दा अपना क्या है, वीक। क्लियर। तो अपना टॉपिक कौन सा है, ये वाला, इसको हमने पढ़ के छोड़ दिया, ये अलग बात है, जितनी बात कर ली वो इनफ है, इससे ज्यादा इसकी बात करने की जरूरत नहीं है। क्लियर। यहां पे अपना मेन मुद्दा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब लिखिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। आयनिक इक्विलिब्रियम इज द स्टडी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन विच, इन विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन, इन विच देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन, बिटवीन डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ, डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो आपका, क्या ए बी ऐसा, अगर ये वीक है तब कैसे टूटेगा, रिवर्सिबली। बोलो बेटा कैसे टूटेगा, रिवर्सिबली। रिवर्सिबली टूटा, इसका मतलब क्या हुआ, बोलो ये किस में टूटेगा, ए प्लस में, और क्या बोल रहे हैं, बी माइनस में, ऐसे ही तो टूटेगा। अगर ये ऐसे टूटा है तो हम लोग शुरू से क्या वैल्यू समझते थे, कि अगर इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी है तो ये जीरो जीरो था, है कि नहीं, ठीक। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो उसके टर्म्स में हम क्या बात करेंगे, सी माइनस सी अल्फा, है कि नहीं। तो यहां क्या बनेगा, सी अल्फा, और यहां क्या बनेगा, सी अल्फा। क्लियर। मान लो एक्सटेंट ऑफ डिस डिसोसिएशन इज एक्स, याद है ना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, उसके टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तब क्या लिखेंगे, सी माइनस एक्स, तब यहां क्या लिखेंगे, एक्स, और क्या लिखेंगे, एक्स। कोई दिक्कत? बोलो। अब इसी चीज को हम लोग क्या लिखते थे, कहां, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या लिखते थे, केसी, है कि नहीं। यही यही क्या है, ये आयनाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को आयनाइजेशन ही तो बोलेंगे, आयन्स का बनना, इज कॉल्ड आयनाइजेशन। तो अब तुम इसको क्या लिखोगे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डी तो है, तब क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस एंड द अनडिसोसिएटेड पार्ट, ये वाला, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी। बोलो ये तो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी, आ गया, ये हो गया इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इस इलेक्ट्रोलाइट का। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट था तो अब इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, के आई। यही इलेक्ट्रोलाइट जब एसिड बनेगा तब ये वैल्यू क्या जाएगी, के ए। यही जब बेस बनेगा तब इसकी वैल्यू को बोलेंगे के बी। यही जब सॉल्ट बनेगा तब उसके हाइड्रोलिसिस को बोलेंगे के एच। इसी 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 में जब पानी का आयनाइजेशन देखेंगे तब उसको बोलेंगे के डब्ल्यू। क्या बोलेंगे, के डब्ल्यू। जब सॉल्युबिलिटी होने लगेगी और उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तब उसी को बोल देंगे के एस पी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इतने डिफरेंट नाम से हम लोग पुकारेंगे, किसको पुकारेंगे बोलिए, इस के आई को। अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, अलग अलग टाइप के लिए हम लोग अलग अलग नोटेशन देंगे, कोई तकलीफ, ठीक। अब इसी को अल्फा के टर्म्स में अगर हमें एक्सप्रेस करना होगा तब यही के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बोलो क्या लिख दें, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी इंटू वन माइनस अल्फा, ठीक। तो यहां क्या हो गया, के आई बराबर क्या, सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा, हो गया ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यही देखो के आई अगर x के टर्म्स में लिखें तब क्या लिख देंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
बोलेंगे ना, मतलब एक में कितना टूटा। एंड व्हाट इज एक्स, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रही बात? अगर एक्स दिया हुआ था बोलेगा आपको 100 मॉलिक्यूल टूट गया 500 में, और अल्फा दिया रहेगा तो आपको बोलेगा 0.1 0.2 0.3 ऐसी वैल्यूज दी जाएंगे। क्लियर है? इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? क्लियर है? सो क्या बोल रहे कि साहब ये टूटा, किसमें टूटा? ए प्लस में और बी माइनस में। टूटते ही क्या बोलेंगे? आयंस बना, आयंस बना तो इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। ये अपना क्या हुआ? तो बोलेंगे हम लोग कि साहब ये तो अपना इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों इलेक्ट्रोलाइट है? बिकॉज ये आयंस दे रहा है, इसका एक्वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। बोलेगा सर ना, क्लियर? तो ये अपना क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। डेफिनेटली कैसा इलेक्ट्रोलाइट है बोलिए? तो बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। डन? कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या बोला कि जब ये टूटा तो इक्विलिब्रियम सेटअप किया, किसके बीच में? टूटे हुए पार्ट के बीच में और जो बचा हुआ पार्ट है। दिस इज योर डिसोसिएटेड पार्ट, दिस इज योर अनडिसोसिएटेड पार्ट। क्लियर? मान लो टोटल 100 थे, 5 टूट गया तो 5 ही तो टूटा है। क्लियर? तो टूटा हुआ पार्ट कितना है? 5। बचा हुआ पार्ट कितना है? 95। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इक्विलिब्रियम। ठीक, इस इक्विलिब्रियम को अलग अलग तरीके से हमने लिखा है। आगे चल करके इसी में बोल देंगे क्या? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पहले तो इतनी बात समझ आई। व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ चुके, व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन ये भी पढ़ चुके, जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वैसा काम कर लेंगे, कोई तकलीफ। ठीक, अब हमने बोला ये इलेक्ट्रोलाइट क्या था? इलेक्ट्रोलाइट क्या था? या तो एसिड, या तो बेस, या तो सॉल्ट, यही ना। मान लो अगर वीक एसिड ले ले, यहीं पे ले ले कोई वीक एसिड, लेट द वीक एसिड इज CH3COOH, तो वो कैसे टूटता? यहां की जगह आप क्या लिखते? हाइड्रोजन आयन। और यहां क्या लिखते? CH3COO-, है कि नहीं? तब ये क्या बन जाता? Ka। क्या बन जाता? Ka। तो टूटे हुए में यही दोनों तो है, तब क्या लिखते आप? इसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO- आयन, यही ना, डिवाइडेड बाय CH3COOH। क्लियर? ठीक, अल्फा के टर्म्स में तो इसका C अल्फा डिवाइडेड बाय C into 1 - अल्फा। ये सर नो। सिमिलरली क्या बोल रहे? अगर ये इलेक्ट्रोलाइट आपका वीक बेस होता, मान लो NH4OH ये अपना वीक बेस अगर है, तो ये अगर टूटता तो क्या देता इसकी जगह? फिर क्या देता? NH4+ देता, और क्या देता? OH- देता। बोलो देता कि नहीं? क्लियर? तब यहां क्या लिखते? इसी को KB। और ये KB की वैल्यू तब क्या होती? NH4+ का कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं, इंटू क्या? OH- का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या बेटा? NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन। ये सब हम लोग आगे एक एक करके ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ करके लिखेंगे। वाटर के लिए इसी को क्या लिख देंगे? H+OH- डिवाइडेड बाय H2। ये सब काम हम लोग आगे करेंगे। मतलब यही चीज बार 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 रिपीट होनी है अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस के लिए। वे सेम रहेगा। ठीक, तो अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं। वीक एसिड क्या होता, वीक बेस क्या होता, इनफैक्ट एसिड क्या होता, बेस क्या होता, पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन पे आएंगे। ठीक, चलो अब लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, उन सब को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, वीक एसिड कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बेसिसिटी क्या है, एसिडिटी क्या है, एच प्लस रिमूवल क्या है, ये सब बातें हम लोग बेसिक बातें सारी अपनी क्लियर कर लेते हैं। जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? बेसिसिटी ऑफ एसिड, एसिडिटी ऑफ बेस, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन OH, है ना, जेड फैक्टर निकालते थे, वो सारी बातें यहां पे पहले हम लोग कर लेंगे। खैर, तो लिखिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट है अपना, दैट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट
एन एसिड इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच गिव्स और रिलीजेस और डोनेट्स और फर्निशेस एच प्लस आयन. एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच गिव्स एच प्लस आयन एंड ए बेस इज दैट सब्सटेंस एंड ए बेस इज दैट सब्सटेंस विच गिव्स एंड ए बेस इज दैट सब्सटेंस विच गिव्स ओ एच माइनस आयन. ओ एच माइनस आयन वेन डिजॉल्व्ड इन एक्वस सोल्यूशन. एक ऐसा सब्सटेंस जिसको पानी में डिजोल्व करके एक्वस सोल्यूशन तैयार कर लिए तो हमें एच प्लस मिला तो बोलेंगे वो सब्सटेंस एसिड है. और एक ऐसा सब्सटेंस जिसको एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व करके तैयार कर लिए तो हमें ओ एच माइनस आयन मिला तब क्या बोलेंगे वो बेस है. क्लियर. सारे एच प्लस आयन डोनर को क्या नाम देंगे एसिड अर्हीनियस एसिड. और सारे ओ एच माइनस डोनर को क्या बोलेंगे अर्हीनियस बेस. मान लो कोई सब्सटेंस है क्या HX, इसको रखे पानी में. कहां रखे पानी में. क्या दिया इसने H प्लस दिया और क्या दिया X माइनस दिया. चूंकि इसने H प्लस दे दिया तो इसको हम लोग आर्हीनियस बोलिए इन जनरल आर्हीनियस एसिड बोलेंगे. चाहे कंप्लीटली चाहे फीबली टूटा उससे मतलब नहीं है बट टूटना चाहिए. जो कंप्लीटली टूट जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोल देंगे. जो फीबली टूट जाएगा उसको वीक एसिड बोल देंगे. बट है दोनों का दोनों एसिड. ठीक. जस्ट फॉर एग्जाम्पल एच सी एल ब्रेक हो करके क्या देगा बोलो एच प्लस सी एल माइनस. एच बी आर ब्रेक होकर क्या देगा बोलो एच प्लस बी आर माइनस. एच एन ओ थ्री ब्रेक होकर क्या देगा एच प्लस एन ओ थ्री माइनस देगा ना. बोलिए एच टू एस ओ फोर ब्रेक होगा तो क्या देगा एच प्लस और SO4 2 माइनस. मान लो पूरा टूट गया तो 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस. तो इन सब को इकट्ठे हम लोग क्या बोलेंगे ऑल ऑफ दीज आर आर्हीनियस एसिड. व्हाई बिकॉज सबका सब H प्लस दे रहा है कहां एक्वस सॉल्यूशन में. तब क्या बोलेंगे ऑल आर आर्हीनियस एसिड. सिमिलरली इफ वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में रखेंगे है ना बोलो H2O में रखेंगे क्या होगा Na प्लस बनाएगा और OH माइनस देगा. KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में रखेंगे K प्लस देगा और OH माइनस देगा. ठीक कोई दिक्कत. NH4OH नो डाउट ये रिवर्सिबली टूटता है जैसे भी टूटे हमें उससे मतलब ही नहीं. पानी में क्या होगा NH4 प्लस देगा और क्या देगा बोलिए OH माइनस देगा. यस आर नो कोई दिक्कत. अपने पास बेरियम हाइड्रोक्साइड ये टूटेगा कैसे कैसे 2H प्लस देगा. सॉरी पहले क्या बनाएगा बेरियम. बेरियम 2 प्लस आयन बनाएगा और 2 OH माइनस आयन बनाएगा. तो सब का सब क्या कर रहा है OH माइनस आयन दे रहा है. तो इन सब को क्या बोलेंगे बोलो आर्हीनियस बेस. तो इन जनरल यहां क्या लिखोगे कोई भी सब्सटेंस BOH अगर इसको पानी में डाल दिए और पानी में टूटने के बाद ये B प्लस और OH माइनस देता है चूंकि OH माइनस दिया तो हम इसको क्या बोलेंगे बोलो आर्हीनियस आर्हीनियस बेस कहेंगे. क्लियर. आर्हीनियस बेस कहेंगे. ये कॉन्सेप्ट था किसका आर्हीनियस का. क्लियर कोई दिक्कत. लेकिन बहुत से ऐसे भी सब्सटेंस थे जिसके पास OH माइनस नहीं था लेकिन फिर भी वो बेस था जैसे अमोनिया. अमोनिया के पास तो OH माइनस नहीं है बट वो है तो बेस. तो ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन तो नहीं हो पाया. ठीक. तब उसके लिए आया ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट. तो लिखिए ब्रॉनस्टेड कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लीजिए. इसको नोट करने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट लिखिए. सेकेंड वन इज
ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने के बाद ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगता है। वहां हम सारी बातें एसिड की ब्रॉन्स्टेड के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। लिखिए ब्रॉन्स्टेड, दूसरा कॉन्सेप्ट अपना ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज डिफाइंड, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस, एन एसिड इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच डोनेट्स एच प्लस आयन, विच डोनेट्स एच प्लस आयन एंड ए बेस इज दैट सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स एच प्लस आयन, विच एक्सेप्ट्स एच प्लस आयन। क्लियर है, समझ में आ रही बात? एसिड किसको बोल रहे हैं? जो एच प्लस आयन देता है, और बेस किसको बोल रहे हैं? जो एच प्लस आयन लेता है। तो आर्हेनियस ने भी तो यही कहा था, जो एच प्लस देगा वो एसिड है। क्लियर है ना? और ये भी कह रहा, जो एच प्लस देगा वो एसिड है। तो एसिड के रिस्पेक्ट में आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड दोनों सेम हो गया। ऑल आर्हेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये सर नो। वट अबाउट बेस? उसने तो OH माइनस बोला था। क्लियर? यहां तो ये H प्लस की बात कर रहा है, हालांकि यहां भी OH माइनस मिलेगा पानी में, ठीक, बट ये तो H प्लस के बारे में बोल रहा है। सो ऑल आर्हेनियस बेसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? ठीक है, अब देखो जरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। क्या मान लो हमने HCl को डिजोल्व किया, कहां? पानी में। कहां डिजोल्व किया? पानी में। अब ध्यान से क्या होगा, ये क्या कर देगा? H प्लस देगा, हाइड्रोजन एंड रिलीज करेगा ना। अब आराम से समझना इसका मैकेनिज्म, क्या बोल रहे? ये तो HCl है, ये टूटा, कहां टूटता है? पानी में। जब ये टूटेगा तो क्या देगा? H प्लस और क्या? Cl माइनस। डन, ये तो टूटेगा। अब देखो ये H प्लस है, इसके चारों तरफ कौन आ जाएगा? पानी। कौन आ जाएगा? पानी। ठीक, इसके चारों तरफ कौन जमा हो जाएगा? पानी। ठीक है, अगर पानी आ गया तो अब जरा समझना, यही चारों तरफ क्या है? पानी घिरा हुआ है। क्लियर? अब ध्यान से, पानी का मतलब वाटर, H2O। इसके पास होते दो दो लोन पेयर, क्या होते? दो दो लोन पेयर। और ये है क्या? H प्लस। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो खो चुका है, ये बना ही कैसे? जब ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, कौन? क्लोरीन। कौन ले गया? क्लोरीन, तभी तो माइनस बना। इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन कर देता है कोऑर्डिनेट। क्या कर देता है? कोऑर्डिनेट। और इसके बाद एक चीज बन जाएगी, क्या? ओ एच एच। ये सब तो इसके अपने एटम थे इस मॉलिक्यूल के, नया एटम कौन जुड़ गया? हाइड्रोजन। और यहां एक टाइप का बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? क्लियर? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में नया बॉन्ड बन गया, जिसमें ऑक्सीजन डोनर है और हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। एक्सेप्ट करेगा तो माइनस चार्ज आएगा, और पहले से प्लस था तो माइनस प्लस मिलकर के क्या चार्ज आएगा? जीरो। और डोनेट किया तो प्लस चार्ज आएगा, और पहले से जीरो था तो प्लस और जीरो मिलकर के क्या आएगा? प्लस। तो इनफैक्ट यहां का पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो गया। क्लियर? तो इसी को बोल देते हैं H3O प्लस। क्या बोल देते हैं? H3O प्लस, विच इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, जैसे एमोनियम आयन होता वैसे ही क्या है? हाइड्रोनियम आयन। समझ मारी बात? कोई दिक्कत है? तो H प्लस बोलो या हाइड्रोनियम आयन बोलो, दोनों एक ही बात है। क्यों? इसी दोनों के कॉम्बिनेशन से तो बना, H प्लस के कॉम्बिनेशन से ही तो बना हाइड्रोनियम आयन। अगली बात, अगर पानी में, आराम से
आपने वाटर लिया ना, उसमें एक ड्रॉप HCl डाला, तो पानी तो पूरा ग्लास भरा हुआ है या पूरा बीकर भरा हुआ है, इसका मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स तो खरबों खरब होंगे, है कि नहीं? नो डाउट HCl में भी करोड़ों मॉलिक्यूल तो है ही, लेकिन एक ड्रॉप HCl और एक लीटर पानी, तो दोनों के रिस्पेक्ट में पानी तो बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक। HCl जब गया है उसके अंदर तो बहुत कम, एक ड्रॉप ही था। तो मुझे बताओ, जब ये इतना सारा है और ये बहुत कम है, तो क्या इसका कोई हाइड्रोजन आयन बचेगा? नहीं ना। 1000 वाटर है और 10H प्लस गया, तो 1000 में से 10 तो दे ही देगा इसको। तो इसका मतलब क्या, पानी का 10 मॉलिक्यूल कहां चला गया? H3O प्लस में, ये सर नो। तो क्या सबका सब H प्लस H3O प्लस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्लियर है। इसीलिए बोला किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में H प्लस और H3O प्लस तो सेम ही होना है, ये सर नो, ठीक। अब जब हुआ तो ये बनाएगा क्या बेटा, वो सोचो, ये क्या बना देगा, यहां से जो H प्लस निकला वही तो यहां गया, तो वो क्या बन गया, H3O प्लस, और ये टूट करके क्या बचा, Cl माइनस, क्या बचा, ये तो Cl माइनस बचा एक्वस, और ये क्या बन गया, बोलिए, H3O प्लस, ये ना बन गया। इनफैक्ट क्या हुआ, तो तुम बोलोगे हाइड्रोजन आयन यहां से यहां गया है, क्या गया है, हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर हुआ कहां, HCl से H2O में, बोलो ये सर नो, क्लियर, कोई दिक्कत। अब आराम से समझो, इस प्रोसेस में HCl ने क्या किया, तो तुम बोलोगे HCl यहां से यहां कन्वर्ट हुआ है, HCl से Cl माइनस कैसे बना, बोलिए कैसे बना, तो क्या कहेंगे, यहीं से तो बना है ना, तो क्या हुआ इस प्रोसेस में, तो बोलेंगे देयर इज लॉस ऑफ क्या, H प्लस आयन, बोलो ये सर नो, अगर इसने H प्लस आयन लॉस किया तो तुम इसको क्या बोलोगे, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलोगे, बोलोगे, कोई दिक्कत, ठीक। क्यों बोल रहे ब्रॉन्स्टेड एसिड, बिकॉज इसने H प्लस लूज किया, H प्लस डोनेट किया, तो इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड बोला गया, क्लियर। अच्छा, पानी से H3O प्लस कैसे बना, तो क्या बोलेंगे, देर इज गेन ऑफ क्या, H प्लस आयन, बोलो बेटा ये सर नो, तो चूंकि इसने H प्लस आयन गेन किया, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड क्या बोलेंगे इसको, बोलिए ब्रॉन्स्टेड बेस कहेंगे। तो इस प्रोसेस में पानी क्या है, ब्रॉन्स्टेड बेस है, और HCl क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बोले सर नो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जरा देखना, इसी पानी में जब हमने अमोनिया डिसॉल्व कर दिया, क्या डिसॉल्व कर दिया, अमोनिया, तो अब ये वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेता, ये बना लेता है सबसे पहले NH4 प्लस, क्या बना लेता है, NH4 प्लस, और साथ में क्या निकल गया, OH माइनस। अब ध्यान से सोचना, कौन किस में टूटा, कौन किस में गया चेंज होकर, तो आप क्या बोलोगे, इनफैक्ट क्या हुआ है, तो आप कहेंगे NH3 का कन्वर्जन हुआ NH4 प्लस में, बोले यस और नो, क्या हुआ है, तब बोलेंगे लॉस हुआ है, किसका, बोलिए ऑफ H प्लस, हुआ ना, अरे अरे उल्टा 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 उल्टा, ये तो गेन हुआ है, लॉस का हुआ, गेन हुआ है कि नहीं, इसने गेन किया, क्या गेन किया, H प्लस, तभी तो हाइड्रोजन तीन था तो चार बन गया और पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो गेन हुआ ना। अब अगर इसने गेन किया बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बोलिए बेस बोलेंगे, क्लियर। अच्छा, वाटर का क्या हुआ, तब क्या बोलोगे, वाटर ही तो इसमें कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, तो बोलेंगे देयर इज लॉस ऑफ एच प्लस आयन, यस और नो, जिसने H प्लस लूज किया उसको क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलोगे, क्लियर। तो इनफैक्ट इस प्रोसेस में क्या बोलोगे आप, कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ क्या, हाइड्रोजन आयन फ्रॉम वाटर टू अमोनिया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, क्लियर। इसका मतलब यही वाटर यहां पे एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, और यही वाटर यहां पे बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बोलिए कर रहा नहीं कर रहा। अब ऐसा सब्सटेंस जिसका ड्यूअल बिहेवियर हो जाए, क्या बोला यार, ऐसा सब्सटेंस
जिसका डुअल करेक्टर हो जाए। क्या डुअल करेक्टर? कि अगर वो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस के तरह भी बिहेव करे, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। क्या बोलते हैं? एम्फीप्रोटिक। एम्फी का मतलब होता है डुअल करेक्टर, या इसी को दूसरा नाम देते हैं एम्फोटेरिक। क्या नाम देते हैं? एम्फोटेरिक। समझ मारी बात? कोई दिक्कत? ठीक। तो पानी क्या है? डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। तो वाटर को क्या बोलेंगे? वाटर इज, बोलिए, एम्फोटेरिक बोलेंगे ना, या एम्फीप्रोटिक इन नेचर। कोई दिक्कत? तो वाटर को जरूरत पड़ा तो वो कैसा बिहेव कर गया? एसिड की तरह। और जब जरूरत पड़ गया तो क्या बोल रहे? बेस की तरह। क्लियर? तो जो H प्लस दिया उसको आपने क्या बोला? एसिड। जो H प्लस लिया उसको क्या बोले? बेस। अब ध्यान से सुनना, अब हम आ रहे राइट साइड। किधर आ रहे? राइट साइड। राइट साइड आगे बात कर रहे, ये तो सी एल माइनस है ना, और ये एच थ्री ओ प्लस है। अब इस पे आ गया चार्ज। क्या आ गया? चार्ज। जब भी किसी सिस्टम पे चार्ज आता है वो सिस्टम अनस्टेबल होने लगता है। तो इसका मतलब ये वापस H प्लस ले सकता है कि नहीं? कैसे ले सकता है? तो बोलेंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये H प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और HCl बना सकता है। बोलो, बना सकता कि नहीं? क्लियर? और इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा H प्लस आ गया जिसकी वजह से चार्ज है, तो अपना H प्लस लूज कर दे तो चार्ज लूज हो जाएगा। इसका मतलब ये H प्लस दे सकता है और ये H प्लस ले सकता है। बोलिए, अगर ये H प्लस ले सकता है तो तुम इसको क्या बोलोगे? बेस। क्या बोलोगे? बेस। और ये अगर H प्लस दे सकता है तो इसको तुम क्या बोलोगे? एसिड बोलोगे। अब आराम से, क्या ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा था? क्या इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था? बोलेंगे ना, ये तो जब इन दोनों को रखे मिला करके तब वो बना। पहले से था क्या? नहीं। तो बोलेंगे ये मिलने के बाद बना है। इसका मतलब इसने जब H प्लस लूज किया है तब ये बना है। तो नो डाउट इसका बेसिक बिहेवियर है, बट ये बना इससे है। और जिससे कोई बने उसको बोल देते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोल देते हैं बेटा? क्लियर? तो ये बेस तो है बट ओरिजिनल बेस नहीं है। ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है। किसका? एसिड का। कॉन्जुगेट बेस है किसका? एसिड का। ये सर नो, आराम से, क्या ये इसका अपना एग्जिस्टेंस है? बोलेंगे नहीं। ये किससे बना है? बोलो। पानी से बना ना, पानी से बना है। तो हम क्या बोलेंगे? ये पानी क्या था? बेस। और ये क्या? एसिड। तो ये किसका एसिड है? इसका कॉन्जुगेट। क्लियर? तो इस बेस का ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। समझ मारी बात? बोलिए, इसको बोल देते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोल देते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्लियर? क्लियर। तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? हमेशा हमेशा क्या होगा? एसिड का कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस। क्या होगा? बेस। और बेस का क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड। ये बात ऑलवेज ट्रू। क्लियर? क्लियर? अब जरा ध्यान से देखना, क्या यहां भी ये बात वैलिड है? देखो जरा, क्या बोलोगे? ये तो अमोनिया है, ये बेस है, तो क्या इससे बनने वाला एसिड है? देखना जरा, इसी से तो ये बना। अब इस पर फोकस कर, क्या ये H प्लस लूज कर सकता है? बोलेंगे है उसके पास प्लस है ना, तो लूज कर देगा। अगर कर देगा तो एसिड है। क्लियर? तो कैसा एसिड? बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। कैसा बोलेंगे? कॉन्जुगेट। क्लियर? तो बोलो, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का हुआ कि नहीं हुआ? बेस का कॉन्जुगेट एसिड हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? उसी तरीके से अब जरा इस पे आ, ये इससे बनाना। ठीक, पहले इसके नेचर पे जाओ। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है। जब H प्लस को ले लेगा इसका मतलब उसके उसके उसका क्या चांस है H प्लस लेने का? इसका मतलब वो बेस बन गया। अब वो किससे बना? इससे। तो ये क्या है? एसिड। तो एसिड का कॉन्जुगेट क्या बना? बेस। तो ये क्या है? कॉन्जुगेट। बोलो, कॉन्जुगेट बेस। क्या बना? कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर ये बात साबित हो गई कि एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है? बेस। और बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है? एसिड। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? अब ध्यान से एक और बात, क्या आप कहोगे सर एसिड यहां भी था है ना, और एसिड यहां भी है कि नहीं? तो लेफ्ट से राइट जाने पर भी तो एसिड बेस रिएक्शन है,
और राइट टू लेफ्ट आने पर भी तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो हम लेफ्ट टू राइट ही क्यों जा रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं आ रहे? तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है, क्या हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाता है? कहां से कहां? हम बोलेंगे या तो इसका हाइड्रोजन आयन देने का पावर ज्यादा होगा, या तो इसका हाइड्रोजन आयन देने का पावर ज्यादा होगा। जिसका पावर ज्यादा हो गया वो डोमिनेट कर जाएगा। चूंकि इसका पावर ज्यादा होता है इसी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड होती है, अगर उसका पावर ज्यादा होता तो रिएक्शन बैकवर्ड होती, उसका रिएक्शन बैकवर्ड होती। ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या कहलाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? पक्का? अब ध्यान से, अभी क्या बोला हम लोगों ने, एसिड का कॉन्जुगेट बेस, बेस का कॉन्जुगेट। अब एक और बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट, स्ट्रॉन्ग का कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक। क्या होगा? वीक। और वीक का कॉन्जुगेट क्या होगा बोलिए? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग किसको बोले? एसिड जो पूरा टूट जाए। वीक किसको बोले? जो पूरा न टूटे। क्लियर है? ठीक, अभी हम लिखा देंगे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा है। क्लियर? चूंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग था तो इसका कॉन्जुगेट कौन बनाए? सीएल, सीएल, सीएल माइनस। इसका कॉन्जुगेट कौन बना? सीएल माइनस। तो मुझे बताइए वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा? बोलेंगे ना, बोलिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्लियर? तो क्या बात याद रखनी है, एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता? बेस। बेस का कॉन्जुगेट क्या होता? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग सॉरी, बेस का क्या होता? एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग का क्या होता? वीक। वीक का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? ये नोट कर लिए। अब हम कॉन्जुगेट बनाएंगे कैसे वो देखो जरा ध्यान से, कॉन्जुगेट कैसे बनाते हैं? एसिड दे रखा हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे लिखेंगे? बेस दे रखा हो तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे दे रखेंगे? ठीक, देखिए अगर बोला गया एक तरफ एसिड और दूसरी तरफ कॉन्जुगेट बेस, यही ना, या अगर बेस बोला तो इससे आप क्या बनाओगे? तो आप बनाओगे क्या? कॉन्जुगेट बोलिए एसिड, ये ना बनाओगे। अब वापस पहले वहीं से देखो, ये एसिड था, फोकस करो यहां, ये एसिड था, इसका कॉन्जुगेट बेस ये बना, तो चेंज ये ग्रीन वाला है ना, ये ग्रीन वाला तो चेंज है, क्या हुआ इस ग्रीन वाले में? लॉस ऑफ एच प्लस आयन। पक्का? यहां जो ये एसिड है, ठीक, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, ये लाल वाला ही तो रास्ता है, क्या हुआ? क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एसिड से कॉन्जुगेट बेस बनाना चाह रहे हैं तो क्या लूज करना पड़ेगा? एच प्लस आयन। कितना एच प्लस आयन? सिंगल। कितना? तो क्या बोलेंगे? एसिड से, एसिड से कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा? वाया लॉस ऑफ, बोलिए, सिंगल एच प्लस आयन बोलेंगे। क्लियर? और अगर बेस से कॉन्जुगेट बना रहे तो वापस आओ, बेस कौन है? ये है ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये तो है, तो रेड वाला ही तो है। ठीक, तो यहां क्या हुआ? गेन ऑफ एच प्लस आयन। यहां आ जाओ वापस, ये बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड ये हुआ, तो यहां क्या हुआ? क्लियर? इसका मतलब बेस से कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे तब क्या बोलेंगे? गेन ऑफ सिंगल, बोलिए, एच प्लस आयन बोलेंगे ना। तो कभी भी तुमसे बोल दिया जाए एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो बना दोगे? बेस का कॉन्जुगेट बोले तो एसिड बना दोगे? क्या करना है? एच प्लस आयन का एक्सचेंज ही तो करना है मात्र, बोलिए। एच प्लस आइन हटा देंगे कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, एच प्लस आइन जोड़ देंगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हटेगा एच प्लस तो चार्ज में फर्क आएगा, जुड़ेगा एच प्लस तो चार्ज में फर्क आएगा। अगर एच प्लस हटा तो देख नेगेटिव चार्ज बनेगा, और एच प्लस जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। पक्का? अब हम इस पर क्वेश्चन दें, लिखो सवाल। प्रिपेयर कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच अदर। प्रिपेयर कॉन्जुगेट पेयर ऑफ ईच, हम दे रहे हैं उसका आप कॉन्जुगेट बनाओ। क्या बनाओ?
कॉन्जुगेट बनाओ, ठीक है। हमने आपसे बोला OH माइनस, हमने आपसे बोला HCO3 माइनस, हम आपसे बोल रहे हैं HSO4 माइनस, ठीक। हम आपसे बोल रहे हैं क्या HCO OH, हम आपसे बोल रहे हैं HH2O, ऐसा। इधर मैंने आपसे बोला, इधर बोला क्या बनाना है आपको, कॉन्जुगेट बेस, और इधर बोल रहे क्या बनाना है आपको, कॉन्जुगेट बोलिए एसिड। अगर हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो क्या करना बेटा, बोला जाए, क्या बोला अभी, कॉन्जुगेट बेस बनाना है तब क्या करेंगे बोलिए, गेन करेंगे, किसका या लॉस करेंगे, बोलो बोलो, लॉस, लॉस क्या करेंगे, देयर विल बी लॉस ऑफ एच प्लस आयन, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस, है ना। और अगर अगर कॉन्जुगेट एसिड बनना है तब क्या हो रहा है, देयर विल बी गेन ऑफ एच प्लस आयन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक। इसका कॉन्जुगेट बेस आपसे पूछेगा तो तुम यहां से हाइड्रोजन हटाओगे, हटाओगे तो हाइड्रोजन हटाए तो बचा क्या, ऑक्सीजन, क्या सिर्फ हाइड्रोजन हटा रहे, नहीं एच प्लस हटा रहे, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, ओ टू माइनस हो जाएगा, ओ टू माइनस, क्लियर। इसी का अगर एसिड बनाएंगे तब क्या बोलोगे, इसमें एच प्लस जोड़ दोगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो, है ना, और ऑक्सीजन एक, एक प्लस और एक माइनस मिलकर क्या हो गया, जीरो, क्लियर। तो इसी का कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, वाटर, ठीक। इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना जरा, एच प्लस ही तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच टू सी ओ थ्री, प्लस माइनस खत्म। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो और एच प्लस हटा दें, तब क्या हो जाएगा, सी ओ थ्री और टू माइनस, होगा क्या, एक और नेगेटिव चार्ज जुड़ जाएगा। जल्दी से फटाफट बाकी को बता दो, इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस एसओ फोर, कितना माइनस, है ना, और इधर H2SO4, वेरी गुड, H2SO4, इधर HCOO माइनस, ये वाला तो हाइड्रोजन जाता ना, फॉर्मिक एसिड का, ठीक, बन गया। इधर एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो HCOOH2 प्लस, क्लियर। इधर बनाना चाह रहे तब क्या बनेगा, OH माइनस, और इधर ले गए तब H3O प्लस, कोई दिक्कत, यही बोल दे अमोनिया, अमोनिया से और निकालो, तब क्या बोलोगे, उधर गए तब NH2 बोलिए माइनस, और इधर आए तब NH4 प्लस, कोई दिक्कत। ऐसे तैयार करेंगे क्या, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कोई कंफ्यूजन, बोलो कोई कंफ्यूजन, लिखो और लिखो उससे समझ। PO4 3 माइनस, इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखिए, जो भी बने उसका फिर कॉन्जुगेट एसिड लिखिए, जो बने उसका फिर कॉन्जुगेट एसिड लिखिए, और जो ये बन जाए उसका कॉन्जुगेट बेस लिख दो, और ये जो बना है यहां से कॉन्जुगेट बेस बना दो, क्लियर है, करो। बोलिए
हो गया, क्या करेंगे? कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाते हैं? H प्लस जोड़ के। कितना H प्लस? ओनली वन। एक जब जोड़ दिया तो यहां आ जाएगा एच पी ओ फोर, कितना माइनस है ना, एक घट जाएगा। अच्छा, इसका फिर बोला कॉन्जुगेट एसिड बना रहे तो क्या कर देंगे, एक और एच जोड़ देंगे, एच टू पीओ फोर माइनस। फिर इसमें बोला कॉन्जुगेट एसिड बनाओ तो क्या कर देंगे, वेरी गुड, एच थ्री पीओ फोर। इसका बोला कॉन्जुगेट बेस बनाओ तो लॉस है ना, यहां गेन था ना, यहां भी गेन था तो यहां क्या है, लॉस। तो लॉस के बाद क्या, एक एच हट गया, एच टू पीओ फोर माइनस। बोलेंगे डन। यहां क्या बोला, इसका क्या बनाना है, कॉन्जुगेट बेस, तो फिर क्या कर देंगे, इस प्लस हटा देंगे। तो हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, एच पी ओ फोर टू माइनस, ऐसे। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ जरा, एच टू एस ओ फोर का, एच टू एस ओ फोर का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? एच एस ओ फोर माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस एस ओ फोर माइनस टू माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस अब होगा ही नहीं, ये सर नो, कोई दिक्कत? ओ एच माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या, कॉन्जुगेट एसिड एच एच ओ एच टू, हाँ एच टू ओ है ना, इसका कॉन्जुगेट एसिड, अभी बोले कि दो दो लोन पेयर ले सकता है, ले सकता है तब क्या बना देगा, एच थ्री ओ प्लस, इसका कॉन्जुगेट बेस एक हाइड्रोजन अभी और है, हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ओ टू माइनस बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ओ टू। क्लियर? आइडिया आ रहा है कैसे कैसे कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाएंगे, समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। क्लियर? क्लियर। अब लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को इकट्ठे लिख दो, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे। लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से लिखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस में से लिखिएगा स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। तो अगर हमसे पूछा गया स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सा है, तब क्या बोलोगे, जो कंप्लीटली लगभग छूट जाता है। ठीक, तो जितने हैलोजन एसिड हैं फ्लोरीन को छोड़ के, एच सी एल एच बी आर एच आई, उसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर, नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री, इसके अलावा एक और है कौन, एच सी एल ओ फोर। क्लियर? ये सब का सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके अलावा जो भी एसिड आया वो सब का सब क्या है, वीक। सबका सब क्या होगा, मान लो कुछ एग्जांपल लिख दें, अगर वीक एसिड तब क्या बोल रहे, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स है ना, जैसे अब कुछ उसमें एक आध एक्सेप्शन हो जाता है सुपर एसिड वगैरह, वो सब अलग बात है, सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ ओ एच एसिटिक एसिड, एच सी ओ ओ एच फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, क्लियर, C3H7COOH, ठीक, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, क्लियर है, फिनॉल, ये सब का सब क्या होता, ये सब का सब क्या होता, बोलो, वीक एसिड, ये सब का सब क्या होगा, वीक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड की बात करेंगे वीक में, तब क्या बोलेंगे, H3PO4, H3PO2, H3PO3, क्लियर, ये सब का सब क्या, H2SO3, H2SO3, HNO2, HF, ये सब का सब क्या है, वीक एसिड, ये सब का सब क्या है, वीक एसिड। उसी तरीके से वीक बेस की, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, अगर हम स्ट्रॉन्ग
बेस की बात कर रहे हैं, तब बोलेंगे सारे अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब, फ्रेंशियम तो रेडियोएक्टिव हो गया। उसी तरीके से ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, तब बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब, ये सब का सब क्या हो जाएगा बोलो, एस आर ओ एच होल टू, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम फिर क्या आपका, रेडियम फिर से क्या है, रेडियोएक्टिव, इसको भुला देंगे। ये सारे बेसिस क्या है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। वीक बेस की कहानी बोलेंगे, वीक बेस तब क्या बोलोगे, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, लिथियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से FeOH होल ट्वाइस, Fe या Fe लिख दो, FeOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, जिंक का हाइड्रोक्साइड, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, क्लियर। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे ये वाला और यहां पे ये वाला, ये दोनों आपका फेवरेट है, किसका, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। हर किताब में हर टीचर जो पढ़ाएगा, जो स्टूडेंट पढ़ेगा, वो ये दोनों लेता है। क्यों? बिकॉज इसमें खास बात है। क्या खास बात है? इन दोनों का Ka और Ka के B वैल्यू वो लगभग सेम होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ये बोला था Ki, Ki को क्या बोला था, Ka Kb, है ना, तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, ये दोनों वैल्यू, दोनों की वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम। इस वजह से ये दोनों ही खास तौर के पेयर बना करके भी ले लिया जाता आगे चल करके सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में, ठीक। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये सब एक जनरल आइडिया आपका, कि आप देख के पहचान जाओगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, और जहां जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो काम कर देंगे। याद नहीं रखा गया तब तो कॉन्सेप्चुअली पता करना पड़ता है, ऐसे यूजुअली आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट की बात आई कि क्यों होता है कोई स्ट्रांग और क्यों होता है कोई वीक, इसकी बात आपने बहुत बढ़िया करी है। तो इसके अगले लेक्चर में हम इसी पे टॉपिक छेड़ेंगे, व्हाई एसिड इज इट स्ट्रांग, व्हाई एन एसिड इज वीक। इससे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट में एक लेक्चर लिखा था, क्या, कि कोई सब्सटेंस एसिड होता ही क्यों है, कोई सब्सटेंस एसिड होता ही क्यों है। तो उसको हमने वहां एक्सप्लेन किया था कि वाटर मॉलिक्यूल है जो उसके एच प्लस आयन को खींच लेता है, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज होता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एसिडिक। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक कब होगा, तो हम बोल रहे हैं कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक कब होता है, जब बोल देते हैं वो किसी एटम से जुड़ा होता है ना। तो कोई सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड होने का मतलब क्या है, वो सीधा सीधा कितना ज्यादा एच प्लस आयन देगा, जैसा भी बोले कंप्लीटली टूट गया, 100 लिए 100 का 100 टूट गया, 100% डिसोसिएट हो गया, स्ट्रॉन्ग है। जो बहुत कम डिसोसिएट हुआ वो वीक है। ये तो एक्सपेरिमेंटल बात हुई, हम थ्योरेटिकली उसमें कैसे देख के बता देंगे, हम थोड़े जाकर चेक कर रहे हैं कि पूरा टूटा कि नहीं टूटा। तो आपका सवाल तो ये है, तो क्या बोल रहे हैं, अब उसके लिए देखते हैं, ये जो एटम है उसको देखेंगे कि जब इसके टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर किस पे गया, एक्स पे ना। सोच के देखे, HCl टूटता तो क्या बनाता है, H प्लस, और क्या बनाता है, Cl माइनस, यही ना बोलो। HBr टूटेगा तो क्या बनाता है, Br माइनस। I टूटता तो क्या बनाता है, I माइनस, ये सर नो। तो एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरा लिखते हैं क्या, कि जो कॉन्जुगेट बेस बना वो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना आगे जाना चाहेगा, तो उतना स्ट्रॉन्ग ये एसिड होगा, ठीक। अब इसकी स्टेबिलिटी हम दो तरीके से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तो साइज की बेसिस पे, दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बेसिस पे, तीसरा डिस्प्लेसमेंट की बेसिस पे। क्लियर है कि वहां पे कितने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लगे हुए हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, ये सारी चीज, मतलब पूरा फिरोग्रिक में घुस जाते हैं। क्लियर, खैर बहुत बढ़िया। तो अपना टॉपिक लिख लीजिएगा, हाउ एन एसिड इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग। तो अगले लेक्चर में इस पर हम पूरा डिटेल में ही बात कर देंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक छेड़ दिया आपने, ठीक, क्लियर है, ठीक। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, क्लियर। तो आज एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था आपका,
आयनिक इक्विलिब्रियम पे। तो आज का लेक्चर और अगला लेक्चर जैसा कि खुल ही गया किसका, स्ट्रॉन्ग और वीक का, तो अगला लेक्चर भी लगभग इंट्रोडक्शन में निकल जाएगा किसके, एसिड के, बेस के, सॉल्ट के। बट ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसमें, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एसिड का कॉन्सेप्ट, बेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत आराम से हैंडल कर पाएंगे। क्लियर? सो आई होप इंजॉयड योर लेक्चर। ठीक है, उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।